हेलो एंड वेलकम टू दी अदर 167, जहां मैं परवीन एक बार फिर आपसे जुड़ रही हूं। एक बार एक राजा था और उसका था आलीशान महल। महल के चारों तरफ दूर दूर तक फैला एक बाग। इधर कुछ दिनों से उस बाग में एक नाइटिंगेल आकर सुबह सुबह गाना गाने लगती। पूरी हवा में जैसे संगीत सा फैल जाता। राजा उसकी आवाज से उठता और सारा दिन आनंद में रहता। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना उस नाइटिंगेल को पकड़कर महल में ही रख लिया जाए कि सारा दिन उसका गाना सुन सके। ये ख्याल आते ही उसने एक सोने के पिंजरे, कुछ चिड़िया के लिए गद्दे और बर्तनों का ऑर्डर दे दिया और दूसरी तरफ एक चिड़ी मार को चिड़िया पकड़ने का। कुछ ही दिनों में चिड़िया पकड़ ली गई और सोने का पिंजरा तो तैयार ही था। पिंजरे में रहकर चिड़िया ने एक दो दिन तो गाना गाया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करती थी तो पिंजरे की सलाखों से टकरा जाती थी। मायूसी और दर्द ने उसको गाना तो भुला ही दिया। धीरे धीरे वो इतनी उदास रहने लगी कि वो बीमार हो गई, यहाँ तक कि मरने पर हो गई। राजा को फिक्र हुई तो उसने एक वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने चिड़िया की मरहम पट्टी की और राजा को सलाह दी, बताया कि चिड़िया असल में बीमार नहीं थी, लेकिन पिंजरे की बंदिश ने उसे लाचार, परेशान और उदास बीमार कर लिया था और हो सके तो इसको आज़ाद कर दिया जाए। राजा ने वैद्य की सलाह मानकर चिड़िया को आज़ाद कर दिया। वो न जाने कहाँ चली गई। राजा उदास रहने लगा। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। सर्दियाँ आईं और आया बसंत। एक दिन अचानक ही फिर से बाग उसी चिड़िया के, नाइटिंगेल के गाने से गूंजने लगा। राजा दौड़ा दौड़ा खिड़की पर गया और उसने देखा कि उसकी नाइटिंगेल वापस आ चुकी थी। उसको लेकिन अब ये मालूम था कि नाइटिंगेल को आज़ाद छोड़ने में ही उन दोनों की भलाई थी। प्रियो, चाहे वो चिड़िया हो या कोई भी जीव, लिविंग बींग, उसको कैद करके रखने या उसे कंट्रोल करने, बंदिश में रखने से वो कभी खुश नहीं रह सकता और ना ही अपनी काबिलियत की पूरी ऊंचाइयों तक, अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ हमें ये भी ख्याल रखना है कि हम अपने आप को भी गुस्सा, नफरत, सेल्फिशनेस, रिवेंज जैसी भावनाओं से आज़ाद रखें। जब तक हम इसके गुलाम बने रहते हैं तो हम शैतान को मौका देते हैं कि वो हम पर हावी हो जाए और धीरे धीरे वो हमें अपने चुंगल में लेने लगता है, हमें पता भी नहीं लगता। यीशु मसीह ने कहा है John 8:34 में, एवरीवन हु सिंस इज अ स्लेव ऑफ सिन। अगर हम गुनाह करते हैं तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं। लेकिन आगे ही वो हमसे कहते हैं John 8:36 में, इफ द सन सेट्स यू फ्री, यू विल बी फ्री इंडीड। यानी यीशु मसीह जो सन ऑफ गॉड हैं, जब वो हमें आज़ाद करते हैं तो हम पर सजा का कोई हुक्म नहीं। यीशु ने दिखाया कि सच्चा और असली प्यार क्या होता है। वो बंधन नहीं बल्कि आज़ाद करता है। डराता धमकाता नहीं बल्कि दूसरों की काबिलियत से, दूसरों की कामयाबी से खुश होता है। रिवेंज नहीं बल्कि वो माफ़ करता है। पर फैसला हमें खुद लेना है, डिसीजन इज आवर्स, कि हम बुरी आदतों, लस्ट, ग्रीड जैसे सोने के पिंजरे में बंद रहकर ही खुश हैं या यीशु के उस पवित्र प्यार, उसके आज़ादी, उसके बताए उसूलों को कबूल करते हैं। यीशु ने हमें बताया John 10:10 में, दैट आई हैव कम दैट दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट टू द फुल। यानी यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इसलिए उस जीवन देने वाले यीशु से जुड़े रहें कि उस आनंदमयी रूहानी जीवन को की बहुतायत से हम उसके साथ जी सकें और अपने जीवन की फुल पोटेंशियल को, काबिलियत की पूरी ऊंचाइयों को हासिल कर सकें। तुझे जकड़े सारे बंधन आज खुल जाएंगे, सफलता को रोकने वाली टूटेंगी जंजीरें, तेरे दर्शन सारे सच हो जाएंगे, लाभदायक दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे।
ऊंचाई पर रहोगे, इंतजार के पलों का प्रतिफल तुम पाओगे, जो कुछ तुमने खोया उसका दुगना पाओगे, जो कुछ तुमने खोया उसका दुगना पाओगे। इसलिए इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ब्लेसिंग्स आपको मिलें और औरों को पहुंचाएं। यही यीशु हमसे चाहते हैं। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।